हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं दिव्या राणा मेकओवर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो स्क्रीन पे लिखी आईडी पे ज़रूर विजिट करना और मुझे वहाँ पे इंस्टा और एफबी पे जाके भी फॉलो कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट करें और फिर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है शुगर स्क्रब। तो खूबसूरत स्किन के लिए लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपने भी घर में एक नुस्खा या घरेलू होम रेमेडी ज़रूर अपनाई होगी। तो आज मैं भी आपके लिए एक होम रेमेडी के साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, शुगर, हनी, कोकोनट ऑयल एंड लेमन। अब इन चार इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक बाउल में ले लिया है और इसी की हेल्प से मैं अब अपना आगे का रेमेडी तैयार करूँगी। सो इट्स माई सजेशन, प्लीज़ अवॉइड केमिकल प्रोडक्ट सो दैट आपकी स्किन को कोई हार्म ना हो और एक नेचुरल ब्यूटी आपकी निखर के आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे शुगर ले ली है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास वाइट शुगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं अब एक हनी लूँगी, मेरे पास यहाँ पे हनी का पैक है। अब हनी मैंने एक बाउल में ले ली है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ कोकोनट ऑयल देन गो फॉर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ओनली विच इज़ प्योर। वो आपकी स्किन को कभी भी हार्म नहीं करेगा और एकदम प्योर होता है। तो आप, मेरा सजेशन है कि आप कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन वाला ही यूज़ करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेमन में विटामिन सी होता है, तो जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है, ब्लेमिशेस को रिमूव करेगा और अनइवन स्किन टोन को भी ठीक करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सफोलिएशन की। ये एक्सफोलिएशन होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, अगर हम अपनी स्किन पे एक्सफोलिएशन नहीं करें तो हमारी स्किन पे इसका क्या असर होगा। एक्सफोलिएशन एक प्रोसेस होता है जो डेड स्किन को रिमूव करता है। समटाइम्स डेड सेल्स डोंट शेड कम्प्लीटली, सो इसको आपको रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि एक्सफोलिएशन करने से आपकी स्किन अपीयरेंस इम्प्रूव होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन एक्सफोलिएशन हर किसी के लिए नहीं होता है। ये आपकी स्किन को हार्म भी पहुँचा सकती है अगर एक्सफोलिएशन अच्छे से ना किया जाए तो। एक्सफोलिएशन को हर दिन नहीं किया जा सकता, इसे आप वीक में दो बार या फिर एक बार ही कर सकते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, तो मेरा सजेशन है वो वीक में सिर्फ एक बार ही इसे करें। जिनकी नॉर्मल और ड्राई स्किन है वो इसे दो बार भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे तो हमारी स्किन में डेड स्किन बिल्डअप होती जाएगी और जिसके कारण हमारे जो फेस में एक्सेस ऑयल को वो प्रोड्यूस करेगी, तो उस वजह से हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग होते जाएंगे और हमारे जो स्किन है उसमें एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, डेड स्किन, डल कॉम्प्लेक्शन, इम्बैलेंस पीएच लेवल होता जाएगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव होम रेमेडी जो आपको बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट देगी एंड आपकी स्किन में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। इस रेमेडी को करने के लिए आपके पूरे दिन के सिर्फ 5 मिनट चाहिए और इस 5 मिनट में आप अपने फेस को ग्लोइंग स्किन, एकदम क्रिस्टल क्लियर स्किन बना सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सफोलिएशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 टेबलस्पून हमने शुगर ले लिया है, 1 टेबलस्पून हमने हनी ले लिया है, यहाँ पे स्पून हमने यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले लिया है। उसके बाद हम लेमन्स के कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे, अराउंड 5 और 6। लेमन को हम ज़्यादा नहीं लेंगे, उससे हमारी स्किन ड्राई और सेंसिटिव हो सकती है। उसके बाद हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सर यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। इसको अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले या तो आप अपने फेस को वॉश कर लें या आप किसी वाइप से इसे साफ़ कर लें।
इसे आप अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शुगर आप यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रेशर आप अपने फेस पे बिल्कुल भी ना दें। इससे आपकी स्किन को हार्म हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं, ड्राई स्किन वालों को भी रैशेज आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ऑयल आपको सजेस्ट किया है। आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप कोकोनट वर्जन ऑयल ही यूज़ करेंगे तो वो एकदम प्योर होता है, तो आपकी स्किन में वो हार्म भी नहीं करेगा। एंड हनी इज़ अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो आपके फेस को बहुत ही ब्राइटन कर देती है, बहुत अच्छा ग्लो आपको देती है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाता है और आपके फेस को वो हाइड्रेट कर देती है। हनी के बाद मैंने आपको सजेस्ट किया है कोकोनट वर्जन ऑयल, आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपको अमेज़ॉन पे ईजिली मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और वो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वो एक बहुत ही प्योर ऑर्गेनिक ऑयल है, तो वो आपके फेस पे कोई भी हार्म नहीं करेगा, तो आप ईजिली उसे बाय भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका बजट अच्छा है तो आप कामा का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आपको लगता है कि आप वो बाय कर सकते हैं तो आप उससे बेटर ऑयल कोई नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग को लगता है कि काफ़ी कॉस्टली है तो वो ये ब्रांड भी अच्छा है, तो आप ये कोकोनट वर्जन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है या एक्ने प्रो स्किन है, ऑयली स्किन है, जिनके पोर क्लॉक्स हो जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी वंस इन अ वीक यूज़ करें। और जो ऑयली स्किन वाले हैं, ऑयल को आप वन स्पून से थोड़ा सा कम यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ज़्यादा यूज़ ना करें। इससे आपको ज़्यादा यूज़ करने से फिर आपके फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा ही यूज़ करना, ज़्यादा करने से भी इतना ग्लो नहीं आएगा। आप एक बार यूज़ करेंगे इस रेमेडी को तो आपको इंस्टेंट ग्लो उसी टाइम नज़र आ जाएगा। लेमन के ड्रॉप्स भी आपको ज़्यादा नहीं करने हैं, 4 or 5 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट करने के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें फेस को, उसके बाद आप इंस्टेंट देख पाएंगे कि आपके फेस पे कितना ग्लो आया है। और ये रेमेडी जो है मैं खुद 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि इस तरीके से यूज़ करो। केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होम रेमेडीज ही यूज़ करें, जो आपकी इनर ब्यूटी है, जो आपकी नेचुरल ब्यूटीफुल स्किन है, वो एक ग्लोइंग स्किन के साथ बाहर आए। होम रेमेडीज़ यूज़ करने से ही होता है, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने से तो आपकी स्किन में रैशेज़ हो सकते हैं, आफ्टर सम टाइम रिंकल्स हो सकते हैं, तो बेटर है कि उसे अवॉइड कीजिए। अब हमें 5 मिनट्स वेट करना है और उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पे 5 मिनट्स मेरे ओवर हो गए हैं और मैंने नॉर्मल वाटर से इसे वॉश भी कर लिया है। आप देख सकते हो कि मेरी स्किन में इतनी शाइन हो गई है और इतना स्मूथनेस शो हो रही है। मैं खुद अपने, आप देखिए, मैं रिंग लाइट को क्लोज करके आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि रिंग लाइट में तो आपको लाइट नज़र आएगी। आप खुद देखो मेरे चीक्स के पास, मेरे फॉरहेड पे इतना शाइन आ गया है। तो फ्रेंड्स, पर्सनल लेवल पे मेरे आपको सजेशन है कि आप एक बार घर में इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और आपको खुद पसंद भी आएगा। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए गाइज, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।